और सुदर्शन सेतु का जिस तरह से जिक्र अश्विनी मिश्रा कर रहे थे कि ये अपने आप में, जब हम इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने की बात करते हैं, आप देखिए इन तस्वीरों के विहंगम दृश्य के जरिए कि अब किसी को भी समुद्र की जो लहरें हैं वो डराएंगी नहीं, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज से हम डूबते सूर्य का दीदार कर सकते हैं। ओखा बे द्वारका सी ब्रिज जो है वो अब खुल के तैयार है, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और गुजरात के द्वारका में देश का सबसे लंबा ये सिग्नेचर ब्रिज, आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए क्या विहंगम दृश्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2017 में इस ब्रिज की आधारशिला रखी थी, 6 साल में इस ब्रिज का निर्माण जो है वो पूरा हुआ है। अब मानचित्र की बात करें अगर गुजरात की, तो एक नए लैंडमार्क के रूप में ये स्थापित होगा, और साथ ही साथ ब्रिज के खुलने की वजह से अब ओखा से बेट द्वारका द्वीप जाने में जिस आवाजाही को सुगम बनाने की बात की जा रही है, जिसके समय को बचाने की बात की जा रही है, वो अब हो जाएगा। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, जब हम सुदर्शन सेतु की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सिग्नेचर ब्रिज वाकई में गुजरात के मानचित्र पर एक लैंडमार्क साबित होगा आने वाले समय में। निश्चित तौर से, और उसी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और ये सही मायने में अगर देखें तो एक संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूरदर्शी सोच के तहत इस सागर की अतल गहराई में सागर को बांधने का जो संकल्प लिया था, सागर को जो मथने का संकल्प लिया था, वो आज पूरा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से लोग ये संभावना, इस बात की बेहद विरली संभावना समझ के चलते थे कि यहाँ पर सागर का प्रवाह इतना ज्यादा है कि यहाँ पर सेतु निर्माण जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप में आदम्य ऊर्जा, आदम्य साहस और दूरदर्शी दृष्टिकोण है, और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक सोच है, तो निश्चित तौर से आप किसी भी मुश्किल चीज को कैसे आप साकार धरातल पर उसको यथार्थ के रूप में लेके आते हैं, सुदर्शन सेतु इसी का प्रमाण है। अगर सुदर्शन सेतु की बात करें तो एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री के अपने विजन के मुताबिक अगर इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना मिला दिया जाए तो सुदर्शन सेतु बनता है। अगर हमारे वैभवशाली अतीत पर कहीं ना कहीं वैज्ञानिक समकोण बनता है तो ये सुदर्शन सेतु बनता है, और सुदर्शन सेतु को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। 2017 में इसकी आधारशिला उन्होंने खुद रखी थी, भूमि पूजन इसके लिए किया था, और ये आज इन्होंने आज ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सबसे बड़ी बात जो है, अगर देखें तो बड़ी संख्या में सागर में चारों तरफ हजारों की संख्या में नाव में लोग इस समय वहां पर मौजूद हैं, और नाव में बैठे हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने यहां पर, अगर आप देखेंगे तो फ्लोटिंग तरीके से मोदी की गारंटी भी यहां पर दिखाई दे रही है। किस तरीके से लोग एक विश्वास लेके चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 20 वर्षों से गुजरात की और राष्ट्र की जो अब पिछले 10 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा ये सेवा और संकल्प का जो ये पूरा का पूरा 2 दशक चला है, वो पूरे गुजरात का भी कायाकल्प करने में समर्थ हुआ, और साथ ही साथ देश का भी कायाकल्प हो रहा है। सिग्नेचर ब्रिज है ये, और सिग्नेचर ब्रिज की अगर देखें तो सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पूरी तरीके से हैंगिंग ब्रिज है, केवल 2 इसमें जो है पावे बनाए गए हैं, और उसके अलावा पूरा पूरा एक सिग्नेचर ब्रिज की तरीके से इसको तारों से इसको जोड़कर इसको हैंगिंग तरीके से किया गया है, और नीचे इतना बड़ा स्पेस दिया गया है कि किसी भी तरीके का नौकायन या किसी भी तरीके के बड़े से बड़े जहाज भी यहाँ से गुजर सकते हैं। यहाँ इससे पहले आने का एकमात्र, जो मैं बता रहा था कि एकमात्र रास्ता ही नौकायन के जरिए था, लोग नाव के जरिए यहाँ पर पहुंचते थे, और घंटों की यात्रा होती थी द्वारका से बेट द्वारका पहुंचने के लिए। ओखा से बेट द्वारका आने में लोगों को बेहद दुसाध्य यात्रा होती थी, खासकर बुजुर्गों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो जिनकी उम्र ज्यादा है। लेकिन अब बड़े आराम से लोग जो है मिनटों में ये पूरी 2.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, इसको पार करते हुए यहाँ पर बेट द्वारका आ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक द्वीप जैसा है, द्वीप यहाँ की तकरीबन आबादी केवल 10,000-12,000 के आसपास है। द्वारका एक ऐसा चमकता हुआ चेहरा और शहर है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं। अब जब यहाँ पर पुल के जरिए इस द्वारका और भेट द्वारका को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आधारभूत संरचना का निर्माण, यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना, यहाँ पर धर्म दर्शन करने के लिए लोगों का आना क्योंकि जाना। हम लगातार अश्विनी धर्म दर्शन की बात कर रहे हैं, हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए भी देखा था कि श्री कृष्ण और गीता के श्लोक का जो एक रिश्ता है वो हम सभी जानते हैं, और वो भी यहाँ पर इंकित किए गए हैं। जिस तरह से गीता के श्लोकों में अगर सबसे पूर्ण श्लोक की बात की जाए तो
कर्म कर फल की इच्छा मत करो। और ये जिस तरह से सुदर्शन सेतु की हम बात कर रहे हैं, जो अब सबसे बड़ा हम इसको मानकर चल रहे हैं कि पर्यटन रोजगार के लिहाज से तो है ही, वहीं जब हम लोगों को और लोगों की संस्कृतियों को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की बात करते हैं, मान्यताओं के अनुसार भी आज का दिन बेहद अहम देखेगी कि उसी सुदर्शन सेतु पर, सुदर्शन जो कि भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र होता था जिसको वो धारण करते थे, उसी सुदर्शन सेतु को आज हमने कार्यांजलि के रूप में मां भारती को दिया है। आज पूरी दुनिया देखेगी किस तरीके से सुदर्शन सेतु अगर अभियांत्रिकी का, इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है, तो उस पर जो किनारे किनारे जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखा हुआ, विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत्र के श्लोक लिखे हुए हैं, गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे अपने गौरवशाली अतीत से जुड़े रहने के लिए, अपने गौरवशाली अतीत का बोध करने के लिए। और हमारी जो विरासत है, विरासत के साथ साथ विकास का जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को बताते हैं, दुनिया आज उसी का साक्षात कर रही है। किस तरीके से हम अपने विरासत को संभालते हुए विकास की नई धारा लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने पुराने ज्ञान के साथ साथ, हम अपने पुराने अभिमान के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुए किस तरीके से सागर को मत सकते हैं, सागर को बांध सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां सागर को बांध देने की परंपरा हमारे पूर्वजों में थी, सागर को मत देने का सामर्थ्य और पुरुषार्थ हमारे पूर्वजों में था, और वो कहीं ना कहीं इस बार साफ तरीके से दिखता है जब हमारे वैज्ञानिकों ने एक नया नायाब अभियांत्रिकी का ये नमूना पूरे देश और दुनिया को दिया है, जिसमें हमने सागर को बांधा है और दो प्रधानमंत्री को हम देख पा रहे हैं। साथ ही क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो ब्रिज पर लगे सोलर पैनल भी हैं अश्विनी, वो 1 मेगावाट की बिजली बनाएंगे, और इस बिजली का उपयोग जहाँ रोशनी को परिपूर्ण करने में किया जाएगा, वहीं जो बिजली बचेगी वो ओखा गांव को मिलेगी, यानी कि एक पंथ दो काज। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये नए तस्वीरें हैं जहाँ प्रधानमंत्री हाथ से अभिवादन कर रहे हैं और खुद पैदल चलते हुए निरीक्षण कर रहे हैं सुदर्शन सेतु द्वारका का। जी अश्विनी जी, और निश्चित तौर से, और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग नाव में इस समय सुदर्शन सेतु को दोनों तरफ मौजूद हैं। और सुदर्शन सेतु का जैसे आपने बताया कि ये पूरी की पूरा इसका इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो सेतु है सेतु के दोनों तरफ पेडेस्ट्रियन बनाया गया है, फुटपाथ बनाया गया है, और उस पर सोलर पैनल लगाया गया, और उसी सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होगी उससे ये रात में इसका शानदार, इतना जबरदस्त इसका लुक आता है, इतना शानदार ये पूरा का पूरा जब जगमग कर उठता है सोलर लाइट से ये पूरा का पूरा पुल, तो लोग कहीं ना कहीं, ये भी एक लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, जो यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे, जो पर्यटन के लिए आएंगे, जो धार्मिक यात्रा के लिए आएंगे। और जो बची हुई बिजली है उसका उपयोग जो है ओखा गांव को किया जाएगा, ओखा जो गांव जो एकदम सटा हुआ गांव है, तो निश्चित तौर से अगर देखें तो ये सहकार से समृद्धि या फिर सौर ऊर्जा से जो है, जो जिसका बहुत कम उपयोग किया गया था इस पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा, जो ऊर्जा के केवल परंपरागत स्रोत थे, जो उन्हीं का केवल दोहन किया जाता था, लेकिन चाहे विंड एनर्जी की बात करें, चाहे सोलर एनर्जी की बात करें, इन सब का नया एक प्रयोगशाला के रूप में गुजरात था। 2000 से लेकर 2014 तक अगर देखें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ मुख्यमंत्री तो काल था, तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर जबरदस्त यहाँ पर काम किया गया, और पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के जरिए यहाँ पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी संचालित किया गया। जी, तो नया जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किस तरीके से हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर, परंपरागत स्रोतों से हटकर गैर परंपरागत स्रोतों पे आए, वो तो एक हाई है, साथ ही साथ ये स्पष्ट तरीके से पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत किस तरीके से अपने पर्यावरण के संरक्षण में, अपने प्रकृति के संरक्षण में, अपने अच्छा एक चीज हम चाहते हैं कि आप अपने शब्दों में इस बात का वर्णन कीजिए, जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो मोरपंख उनका पर्याय है, और इस पंख को भी अगर देखा जाए, शायद हम यहाँ से देख पाएंगे कुछ ही देर में, उसे भी इस ब्रिज के जो पिलर्स हैं उन पर उकेरा गया, जो काफ़ी दूर से दिखाई देगा। और अब जिन ऊंची समुद्र की लहरों की वजह से फेरी राइड को कैंसिल करना पड़ता था, आप देखिए कि अब वो ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज जो है वो उसके खुलने से ये जो दिक्कत है अब नहीं आएगी, और तमाम जो टूरिस्ट हैं वो साल के 365 दिन सुदर्शन सेतु के जरिए बेट द्वारका पहुंच पाएंगे। जी आंचल, जैसा आप कह रही, मोरपंख इन दोनों ब्रिज के दोनों जो पिलर्स हैं उन पर तो सुसज्जित किया ही गया है, साथ ही साथ दोनों तरफ मतलब दर्जनों ऐसी पट्टियां लगाई गई हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र उकेरा गया है,
सिग्नेचर ब्रिज के दोनों तरफ जो प्रवेश द्वार है उन पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े जो है मूर्तियां और साथ ही साथ जीवन चरित्र से जुड़े हुए प्रसंग लगाए गए हैं। सुदर्शन हाथ में लिए हुए भगवान श्री कृष्ण का एक ब्रिज के दूसरी तरफ रेप्लिका बनाया गया है, जो कि बताता है कि किस तरीके से भगवान अपने हाथ में सुदर्शन को धारण करते थे। और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमने माँ भारती को उनकी मणिमेखला के रूप में सुदर्शन सेतु दिया है। तो हमारी जो आध्यात्मिकता है, हमारी जो वैज्ञानिकता है, इन दोनों का समावेश कहीं ना कहीं सुदर्शन सेतु में दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये असंभव माना जाता था वैज्ञानिक तरीके से, लोगों को ये संभव नहीं लगता था कि यहाँ पर इतने प्रवाह में, सागर की इतनी गहराई में और सागर के इतने तीव्र प्रवाह में यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा सकता है। ये निश्चित तौर से दूरदर्शी दृष्टिकोण से देखते हुए, वैज्ञानिकों की और हमारे इंजीनियरों की अद्भुत मेहनत को देखते हुए, उनके कुशल जो है मेधा के सशक्त पर्याय के रूप में देखते हुए, और उस संकल्प की सिद्धि के रूप में इस ब्रिज को देखा जा सकता है, इस सुदर्शन सेतु को देखा जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था कि यहाँ पर जो देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से जो श्रद्धालु और दर्शनार्थी आते हैं, उनकी सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं सुगम्य हो। ये बेट द्वारका की आबादी तकरीबन 12,000 से ज्यादा नहीं है, और वही द्वारका अगर देखे तो एक ऐसा वैभवपूर्ण शहर है जो की कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने अपना विशेष स्थान रखता है। मोर पंख हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसका जिक्र अश्वनी हम अभी आपसे कर रहे थे, हमने कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया कि वो पिलर पर बना हुआ है। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं यही कह रहा था कि केवल आवागमन का एक बेहतर साधन न होने की वजह से बेट द्वारका आज एक छोटे से गाँव और कस्बे के रूप में ही रह गया है शताब्दियों से, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर और द्वारका धाम की वजह से एक सशक्त वैश्विक चेहरा जो है द्वारका धाम का दिखता है। तो अब जब आवागमन का ये सुगम सरल साधन हो जाएगा, तो बेट द्वारका जो कि एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव जैसा है, जिसकी आबादी केवल हजारों में 12,000 तक 15,000 तक सिमटी हुई है, तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का आवागमन के बाद इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होगा। एक द्वीप है ये, और इस द्वीप पर जो है अनेक, और ये जो सोच है प्रधानमंत्री की किया गया है, लेकिन आवागमन की व्यवस्था न होने के कारण इसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल, और ये सोच प्रधानमंत्री की अश्विनी ने देखा, जब आप अयोध्या भी गए थे, कैसे अयोध्या का निर्माण धार्मिक स्थल के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए विकास के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि को भी साथ लेकर चलना है। और ऐसी भी कहीं ना कहीं चर्चा है कि गुजरात टूरिज्म ने द्वारका में पर्यटन बढ़ाने के मकसद से जो सबमरीन पनडुब्बी योजना है उसे भी 2024 की अगर हम बात करें, उसके आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। तो देखिए कि कितनी अहम दूरदर्शिता है कि पर्यटन को आर्थिक रोजगार से जोड़ते हुए हम एक आर्थिक प्रगति की नई युगांतकारी गाथा लिखेंगे। निश्चित तौर से, और आंचल अगर देखें तो हमारे यहाँ जो धार्मिक पर्यटन का संकल्पना थी वो इसीलिए था कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग, हमारे धाम है वो देश के चारों कोनों पर हमारे धाम अवस्थित हैं, हमारे धाम, हमारे मंदिर जो है वो मूलतः जितने देवस्थान है वो पहाड़ों में स्थित हैं। पूरा का पूरा एक हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक सोचे समझे तरीके से इन धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को स्थापित भी किया था, विकसित भी किया था, और लोगों के आने जाने का संस्कार और परंपरा भी लोगों में सदियों से विद्यमान थी। भेट द्वारका का ही हम कह रहे हैं कि द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका चारों धाम करने वाले लोग अगर वहां पहुंचते थे तो भेट द्वारका हर एक श्रद्धालु यहां पर आना वो अपना सौभाग्य समझता था और आना अपना कर्तव्य समझता था, अनिवार्य समझता था। तो जिस तरीके से हमारे जो, हमारी जो गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी पौराणिकता है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हमारे जो स्थान है जिनकी ऐतिहासिकता भी पूरी तरीके से असंदिग्ध है, पूरी तरीके से सत्य साबित होती है, उन स्थानों को नए सिरे से विकसित करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की बात हो, चाहे वो सोमनाथ की बात हो, चाहे केदारनाथ की बात हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो, भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर की बात हो, तो ये केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखा जाना नहीं है, ये हमारे अस्मिता के, हमारे गौरव के, हमारे इतिहास के, हमारे वजूद के, हमारे अस्तित्व के ऐसे साक्षात कीर्ति स्तंभ है जो पूरी दुनिया देखती है। और निश्चित